एमिक क्रायोजेनिक इंजन के डेवलपमेंट में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने एक और टेस्ट पास कर लिया है। स्पेस एजेंसी ने बताया कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन को स्टार्ट करने के लिए प्रीबर्नर को इग्नाइट करना पड़ता है। इसी का टेस्ट सक्सेसफुल रहा है। ये टेस्ट 2 मई 2024 को महेंद्रगिरी में किया गया। ये इंजन इसरो के LVM-3 रॉकेट की पोलेट कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करेगा। LVM-3 वही रॉकेट है जिसके जरिए भारत ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था। चंद्रयान 4 मिशन में भी इसी रॉकेट का इस्तेमाल होगा। आपको बता दें कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कई इंडस्ट्रीज में होता है। स्पेस इंडस्ट्री में 1961 में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ था। तब अमेरिका ने एटलस रॉकेट में तरल हाइड्रोजन और तरल नाइट्रोजन का उपयोग किया था। इसरो का सेमी क्रायोजेनिक इंजन लिक्विड ऑक्सीजन यानी कि LOX और केरोसिन के कॉम्बिनेशन पर काम करता है। ये 2000 kN का थ्रस्ट जनरेट करता है। जब ये इंजन बनकर तैयार हो जाएगा तो LVM-3 रॉकेट की सेकेंड स्टेज में लगे विकास इंजन को रिप्लेस करेगा।